दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोभी का एकदम नया और अनोखा नाश्ता। गारंटी है दोस्तों कि ये रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नाश्ता को बनाना कैसे है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतू और मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। आज के इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें पत्ता गोभी पूरी ही लेनी है, और इसके ऊपर के खराब पत्तों को पहले निकाल लेना है, और फिर उसके बाद हल्के हाथ से हम इस तरह से इसके सारे पत्तों को निकाल लेंगे, जिससे ये ज़्यादा कटेंगे फटेंगे नहीं। इस तरह से पत्ते को बिल्कुल हल्के हाथ से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, और थोड़े से कट फट भी जाए तो चलेगा। और ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे ही पत्तों को निकाल लिया है। पत्ता गोभी के आज इन पत्तों से हम रोल बनाने वाले हैं, इसलिए इसके पीछे की तरफ जो उठा हुआ भाग होता है उसे हमें चाकू की हेल्प से हल्का हल्का सा निकाल देना है। इसे ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ हम इसे लेवल तक लाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे ही पत्तों के हमें पीछे से डंठल को हटा लेना है, और बाकी की जो अंदर की छोटी पत्ता गोभी बच गई है, आप चाहे तो उसके भी छोटे छोटे पत्ते अलग निकाल सकते हैं, और फिर छोटे छोटे रोल बना करके नाश्ता तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज हम थोड़ी सी पत्ता गोभी का इस्तेमाल इसके स्टफिंग में करने वाले हैं। तो ये मैंने सारे ही पत्ता गोभी को इस तरह से कट कर लिया है। दोस्तों, आगे की प्रोसेस के लिए मैंने पानी को पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी हल्का हल्का गर्म है, तब हम इसमें पत्ते को एक एक करके डाल लेते हैं, और फिर हमें फ्लेम को हाई कर लेना है। हाई फ्लेम को करने से हमारे पत्ते बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पत्ते गले हुए नहीं चाहिए, सिर्फ पत्ते थोड़े सॉफ्ट हो जाए इतना तक ही हमें इन्हें बॉईल करना है। और इस पे चूल्हा से इस तरह से इन्हें अंदर दबाते रहेंगे, जिससे पानी में ये अच्छी तरह से डूब जाएं। और ये लीजिए, 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारे पत्ते बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। बस हमें इतना ही इन्हें सॉफ्ट करना है, जिससे ये टूटेंगे नहीं, और फिर एक अलग प्लेट में इन्हें निकाल करके ठंडा होने देना है। दोस्तों, फिर से मैंने उसी पैन को चढ़ा दिया है, और उसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चम्मच तिल। जैसे ही तीनों चीज़ें अच्छे से चटकेगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देने से हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आ जाएगा। 1 से 2 मिनट तक इन्हें चला लिया, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और 1 शिमला मिर्च। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जियाँ इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। और अब इन दोनों ही सब्जियों को हमें चला लेना है, और इसी के साथ कटी हुई पत्ता गोभी को भी डाल लेती हूँ, और 1 बारीक चॉप किया हुआ टमाटर भी डाल देना है। और अब हम डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और फिर हाई टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम सब्जियों को पकाएंगे। इस तरह से ढक्कन से कवर करके सब्जियों को पकाने से होगा ये कि सब्जियां 3 से 4 मिनट के अंदर ही पक जाएगी। बीच बीच में ढक्कन को हटाकर सब्जियों को चलाते रहना है। ऐसा करने से होगा ये कि सब्जियां तले पर चिपकेगी नहीं। और ये लीजिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट के अंदर ही सब्जियां अच्छे से गल गई है। तो अब मैं इसमें 2 उबले हुए आलू और 1/2 कटोरी उबली हुई मटर को डाल रही हूँ, और फिर इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। ये इस तरह से इस पे चूल्हा से मैश करते हुए हमें सब्जियों को मिक्स करना है, जिससे आलू भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, और जब हम स्टफिंग भरेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। इस नाश्ता को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इस तरह से एक बार यदि आप घर में नाश्ता बना लेंगे तो बच्चे बाहर का नाश्ता खाना तो भूल ही जाएंगे। और साथ में 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची अवॉइड भी कर सकते हैं। और 1 से 2 मिनट और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे सब्जियों का पानी सूख जाएगा।
और ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारी स्टफिंग बनके हो गई है तैयार। तो अब मैं इसे एक अलग बाउल में ठंडा होने के लिए रख लेती हूँ। हमारी स्टफिंग भी तैयार है और पत्ते भी तैयार हो गए। तो अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस के लिए। तो जो पत्ते हमने ठंडे होने के लिए रखे थे उनमें से एक पत्ता ले लेना है और इस पत्ते पर अब हम एक चम्मच भर के स्टफिंग को डालेंगे। यदि आपका पत्ता बड़ा है तो आप 2 चम्मच भर के स्टफिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर एक तरफ से उठाएंगे इसे और 1 से 2 बार रोल करेंगे और फिर जो साइड का पार्ट है उसे इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर से इसे रोल कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। बाकी के सभी पत्तों से भी हमें इसी तरह से रोल को बना करके तैयार कर लेना है। पत्ते को हम उल्टा या सीधा किसी भी तरह से रखकर रोल कर सकते हैं, क्योंकि पत्ता बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो यह अच्छी तरह से रोल हो जाएगा। ये इस तरह से हमें बीच में स्टफिंग को रखना है और फिर इसे रोल करते जाना और फिर साइड के पार्ट को अंदर डाल देना है और फिर से रोल कर लेना है। तो ये रोल खुलेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से बंद भी हो जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने सारे ही रोल को बना करके तैयार कर लिया है और जो पत्ते थोड़े से कटे पटे थे उनसे भी मैंने रोल बना लिया है। इन तैयार पत्तों को कोट करने के लिए अब हम स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप बेसन और उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर दिया और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और फिर तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे जिसमें हम पत्तों को अच्छे से कोट कर पाएं। पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर तैयार करना है और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर लम्स नहीं आएंगे। ये इस तरह से मैंने इसका गोल बना लिया है। गोल को हमें ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। ये इस तरह से रिबिन कंसिस्टेंसी का हमें रखना है या फिर हम चम्मच से इस तरह से उल्टा कर कर इसे कोट करेंगे तो यह कोट हो जाएगा। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने जो बेसन की स्लरी तैयार करके रखी थी उसमें एक रोल को लेंगे और हाथ से ही इस तरह से इसे डिप करेंगे जिससे बेसन चारों ओर कोट हो जाएगा और फिर हल्के हाथ से इसे उठाकर ऑयल में डाल देना है। इस काम को आप बहुत ही सावधानी से करिएगा क्योंकि इसमें तेल के छींटे उड़ने का डर रहता है। एक बार में जितने रोल आ जाए उतने रोल हमें डाल लेना है और इन्हें थोड़ा थोड़ा सा दूरी पर डालना है जिससे ये एक दूसरे पर चिपकेंगे नहीं। एक स्पून लेंगे और उसकी हेल्प से गरम गरम ऑयल इन रोल के ऊपर डालेंगे जिससे रोल ऊपर की तरफ से भी हल्के से फ्राई हो जाएंगे। रोल के एक साइड से फ्राई होते ही हम चम्मच या फिर इस तरह से चिमटे की हेल्प से टर्न कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई होने देंगे और जैसे ये दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई होंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, दोनों ही तरफ से हमारे रोल गोल्डन फ्राई हो गए हैं। ये एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी दोस्तों इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर से करना। यकीन मानिए आपके घर में सभी को यह रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक शेयर और आपके अपने चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।